संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिले से। और सबसे पहले जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कृष्णकांत वशिष्ठ। यूपी के हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका और राहुल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस में भी गुस्सा है। इसी के चलते कांग्रेस नेताओं ने जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश समेत कई विधायक और कांग्रेस नेता इकट्ठे हुए। सभी ने मोदी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गैंगरेप जैसी घटना को लेकर भी बीजेपी सरकार संवेदनशील नजर नहीं आ रही है, बल्कि यूपी पुलिस की ओर से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। बीकानेर संभाग का रुख करते हैं और यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी संजय पारिक। बीकानेर में आज हुए एक दर्दनाक हादसे में पुग्गल एसएचओ महावीर प्रसाद, कांस्टेबल काशीराम व एक अन्य व्यक्ति सहित तीन लोगों की मौत हो गई। दरअसल ये लोग एक मुजरिम की तलाश करके देर रात्रि को बीकानेर से पुग्गल की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान जयपुर रोड पर पेमासर के पास इनकी कार एक ट्रेलर में जा घुसी, जिसके चलते तीनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बीकानेर पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई और पुलिस के उच्च अधिकारी पीबीएम अस्पताल पहुंचे। इसके बाद एसएचओ महावीर प्रसाद और कांस्टेबल काशीराम को पीबीएम चौकी परिसर में सशस्त्र सलामी दी गई। आईजी प्रफुल्ल कुमार, कलेक्टर नमित मेहता, एसपी प्रहलाद सिंह करसणिया, खाजुवाला एमएलए गोविंद राम मेघवाल और पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल सहित पुलिस अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं बीकानेर में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। आज बीकानेर के व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के माता रानी ज्वेलर्स पर तीन नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तीनों नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर गहने लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर सीओ पवन भदौरिया, व्यास कॉलोनी एसएचओ गोविंद सिंह चारण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। इसके बाद बदमाशों की धरपकड़ के लिए जिले में नाकाबंदी भी करवाई गई। इससे पूर्व तीन नकाबपोश बदमाशों द्वारा नयाशहर थाना क्षेत्र के मुक्ता प्रसाद कॉलोनी स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में भी लूट का प्रयास किया गया, लेकिन यहां दुकानदार की सजगता के चलते लूट की वारदात करने में ये सफल नहीं हो पाए। दोनों वारदातें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। जयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम क्षेत्र में आने वाले कुड़ी थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले एक युवक की हत्या करने से जोधपुर में सनसनी फैल गई। मोगरा इलाके में स्थित अमूल प्लांट में काम करने वाले महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाले सिद्धार्थ जाधव की चाकुओं से गोद कर हत्या की जब जानकारी मिली तो पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब पता लगा कि बीच में छुड़ाने आए तीन चार उसके साथी वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में पुलिस के लिए पहेली बन गई है कि आखिर ऐसा कौन शख्स था जिससे इस शख्स की हत्या करने से उसको फायदा होने वाला था। कोई आपसे रंजिश की बात कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई दूसरी कहानी, लेकिन जब पुलिस पड़ताल करेगी तभी पता लगेगा। फिलहाल आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस की टीमें लगातार पड़ताल कर रही है। नाकेबंदी कराने के अलावा कॉल डिटेल के आधार पर भी पता करें कि आखिर वो लोग कौन थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठेके पर ये शख्स काम करता था उसके चलते ठेकेदार के आसपास रहने वाले लोगों की भी पड़ताल की जा रही है और इस पूरे मामले में खुद डीसीपी आलोक श्रीवास्तव नजर रखे हुए हैं। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने 5600 रुपए की रिश्वत राशि लेते सहायक बनपाल को ट्रैप किया है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल मामेर रेंज के महाड़ी बन नाका पर तैनात आरोपी बनपाल बर्दीचंद ने इलाके के आदिवासी किसान से वन अधिकार पट्टा जारी करने के लिए आवश्यक रिपोर्ट बनाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। आरोपी ने परिवादी से 5800 रुपए की रिश्वत राशि मांगी थी और इसके बाद 5600 रुपए में सौदा तय किया।
इसके बाद परिवादी ने एसीबी उदयपुर को इस बारे में शिकायत पेश की। परिवादी की शिकायत पर ब्यूरो के एएसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परिवादी ने बताया कि वन अधिकार पट्टे के लिए आवश्यक जीपीएस रिपोर्ट के लिए आरोपी बनपाल रसीद काटने के नाम पर रिश्वत वसूल रहा था। इस पूरे घटनाक्रम ने आदिवासी अंचल में वन अधिकार पट्टों में भ्रष्टाचार की कलई खोल दी है और ऐसे में अब आशा की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में गरीब आदिवासियों को वन अधिकार पट्टों को पाने के लिए अतिरिक्त राशि भुगतान न करनी पड़े। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनस गैसावत। गांधी जयंती के मौके पर राजस्थान सरकार का जन चेतना अभियान की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान के 11 जिलों के साथ नागौर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के मद्देनजर नागौर के प्रभारी मंत्री द्वारा जन चेतना अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत नागौर जिले में प्रत्येक घर पर कोरोना जागरूकता का स्टिकर लगाना, 1,00,000 मास्क वितरण करना, 9 मास्क 9 एंट्री के पोस्टर लगाना, सामाजिक दूरी की पालना कराना, कोरोना जागरूकता अभियान के तहत नगरीय निकाय क्षेत्र में जागरूकता संबंधित प्रचार प्रसार सहित अभियान में एनजीओ, स्काउटिंग, एनसीसी, सामाजिक संगठनों, समाजसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया गया। सामाजिक स्थलों पर 9 मास्क 9 एंट्री का नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं गांधी जयंती के मौके पर जन चेतना अभियान का आगाज गांधीगिरी के जरिए 3 अक्टूबर को जागरूकता अभियान की शुरुआत प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी करेंगे। आम जन को जागरूक करने के साथ ही 9 मास्क 9 एंट्री की सख्ती से पालना कराने पर भी आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ आज भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह के जयंती समारोह में शिरकत कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस दौरान पत्रकार वार्ता में राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाने साधे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और अब कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़ों को छिपाने का खेल खेलने में लगी है और कोरोना को रोकने के लिए जारी की गई गाइडलाइन की पालना का जगह जगह अभाव नजर आता है कि पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिगंबर सिंह ने वर्ष 2008 में सिमको फैक्ट्री को खुलवा दिया था और उनके ही प्रयासों से सिमको की चिमनियों में धुआं निकला था। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह गिरधारी गुप्ता सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। भरतपुर संभाग में कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम किया था लेकिन अब ऑक्सीजन का पाइप अलग हो गया है और संभाग में कांग्रेस की वो हालत होने वाली है जो कि आईसीयू में एक गंभीर मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिलने से होती है। कोटा संभाग का रुख करते हैं और यहां से बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी। आमजन और प्रबुद्धजनों ने बिरला परिवार के प्रति जताई गहरी संवेदनाएं। सहकार पुरुष श्री कृष्ण बिरला को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों के साथ आमजन ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। सांसद दिया कुमारी, झुंझुनू सांसद नरेंद्र बुरानिया, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी, विधायक रामहित यादव ने कोटा पहुंचकर श्री कृष्ण बिरला के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा फोन व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी श्री कृष्ण बिरला के निधन पर अनेक प्रबुद्धजनों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रति संवेदना व्यक्त की। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सांसद व नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला,
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, नागालैंड विधानसभा की स्पीकर शेरिंगे लांगकुमे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री रमेश मीणा व पूर्व विधायक घनश्याम तिवारी ने फोन पर संवेदना व्यक्त की। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पत्र लिखकर शोक जताया। सहकार पुरुष रहे श्री कृष्ण बिरला को कोटा कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड 108 के आर के सदस्यों ने भी याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कल कोटा आएंगे और वह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर संवेदना प्रकट करेंगे। तो सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया और अब आगे